बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपको बटेर को ज़िबा करने का तरीका बताएंगे। अमूमन लोग गुजरांवाला जाते हैं ये बटेर वगैरह खाने के लिए और ये चिड़े वगैरह, जबकि गुजरांवाला में जो और ये लाहौर में जो चिड़ों के नाम से जो ये चीज़ें फरोख्त की जा रही होती हैं, ये सारे परिंदे कामन ही होते हैं। इसमें बुलबुल भी होती है, इसमें लालियाँ वगैरह जो कुछ भी जाल के अंदर नेटिंग के अंदर आता है, नेट के वो जनाब वो सारा कुछ होटलों के अंदर चला जाता है। और जब मसाला लग जाता है कोई पता नहीं लगता चिड़ा है या क्या है, वो सब कुछ लोग खा जाते हैं। आप बाज़ार से बटेरा लें, ये कोयल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये बटेर जो है ये 50 से 60 रुपये का मिल जाता है, बिल्कुल जान वाला फार्मी बटेर है। आप मज़े की इसकी कढ़ाई बना सकते हैं और अपने हिसाब से जो है इसको पका सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, स्टीम रोस्ट कर सकते हैं, मतलब एज़ जो भी डिशें आपके वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका शुक्रिया। नहीं, ये आपके सामने जनाब ये मैंने बटेर पकड़े हुए हैं, ये 5 से 6 हैं मेरे पास पिंजरे में, 5 से 6 मैंने बाज़ार से लिए थे। और इसका जो है ये तंदुरुस्त होना चाहिए, तंदुरुस्त होगा बटेरा तो उसके गोश्त खाने का मज़ा आएगा। इसको हम ज़िबा कर रहे हैं और ज़िबा करने के बाद इसकी कढ़ाई बनाएंगे। आप अपने हिसाब से भी इसकी कढ़ाई बना सकते हैं। और ये पकने में जो फ्रेश मीट होता है ये बेहतरीन है। आप ये देख सकते हैं ये तंदुरुस्त बटेरे हैं मेरे पास, 5 से 6 बटेरे हैं। इनको अभी मैं ज़िबा करूँगा और ज़िबा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आगे चल रहे हैं। जी ये ज़िबा हो गए हैं बटेरे, 4 मैंने ज़िबा किए। ये आपके सामने 4 बटेरे मैंने ज़िबा किए हैं जी। इनको अभी गोश्त बनाने का तरीका कैसे बनाना है हम स्पीडी काम करेंगे और आपके सामने ये मैं रेडी करता हूँ। इसको हम अभी ये इसके जनाब जो पर वगैरह उतारने लगे, इसके स्किन जो है उतारेंगे और इसको रेडी करेंगे। ये स्पीडी जो है इसको कर लेते हैं हम। ये इसकी स्किन उतार रहे हैं जी, स्किन उतार। मैक्सिमम इसका जो वेट है वो 50 से 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम तक होता है। और ये अगर सही तरीके से पकाया जाए तो इसका बड़ा मुनफरिद सा टेस्ट होता है। ये देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे निकल रहे हैं जी अंदर से, ये बिल्कुल जान में। इसका पेट चेक कर देते हैं। ये पेट चेक करने के बाद जो है ये बहुत ही छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा ही निकला है जी। ये साफ हो गया जी, आपने देखा कि ये जब सफाई हो जाती है इसकी तो इसको आपने इधर से 2 कट लगा लेने हैं ये वाले, ताकि इसके अंदर जो है मसाला वगैरह जो भी आपने लगाना है वो सही तरीके से, ये इसकी चेस्ट के अंदर जो है ये कट लगा लेने हैं ताकि ये बेहतरीन तरीके से पक सके। और इसके अंदर जो ये मसाला, ये टोटल ये स्किन उतर गई है इसकी। और ये मैक्सिमम ये देखें ना, अपने हाथ से ज़बा किया हुआ जो इसका बेहतरीन जो है टेस्ट बनता है जी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।